भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में तीसरा टेस्ट जीतकर वापसी की है और अब टीम का लक्ष्य चौथा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करने का है। साउथहैम्पटन में होने वाले चौथे मुकाबले से पहले टीम की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, जो कहा जा रहा था कि विराट कोहली शायद टीम नहीं बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और विराट ने फिर से टीम बदल दी है और यहाँ पर 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। प्लेइंग 11 में पहला बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में होगा। जी हाँ, ये करीब तय है कि ओपनिंग जोड़ी बदली जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए चुने गए पृथ्वी शॉ को टीम में चुना जाना तय है। पृथ्वी को नेट्स पर बुमराह ने बॉलिंग की थी और इसी दौरान पृथ्वी की बैटिंग देखने के लिए कोच रवि शास्त्री और भरत अरुण भी वहां मौजूद थे, जिसके बाद उनका खेलना तय है। वहीं केएल राहुल को इस मैच में अब बाहर किया जाएगा। राहुल की ही जगह पर पृथ्वी शॉ की टीम में एंट्री होगी। 3 टेस्ट मैच खेलकर भी राहुल खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, जबकि धवन को एक और मौका मिलेगा। टीम में दूसरा बड़ा बदलाव होगा आर अश्विन की जगह पर रविंद्र जडेजा। जी हां, ये बदलाव विराट कोहली नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये बदलाव किया जा रहा है। अश्विन चोटिल है और उनकी चोट अब तक भी ठीक नहीं हो पाई है, लिहाजा अश्विन की जगह पर रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा रहा है। साल 2014 में खेले गए मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने इसी मैदान पर पहली पारी में 2 जबकि दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए थे। ऐसे में जडेजा यहां टीम के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं और फैंस तो लंबे समय से जडेजा को टीम में शामिल करने की मांग कर रहे थे, लिहाजा अब फैंस की भी मांग पूरी होती नजर आ रही है। तीसरा बड़ा बदलाव जो होगा वो है मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव। मोहम्मद शमी भले ही चौथे टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, मगर इस मैच में शमी को भी बाहर किया जाएगा। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी पिछले मुकाबलों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। नॉटिंघम टेस्ट की दोनों पारियों में शमी ने 134 रन खर्च किए और सिर्फ 2 विकेट निकाले थे। लॉर्ड्स में भी वो खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, जबकि पिछले 3 टेस्ट मैचों की 5 पारियों में 332 रन देकर शमी ने 8 विकेट हासिल किए। लिहाजा मोहम्मद शमी की जगह पर उमेश यादव को चौथे टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा। उमेश ने इस सीरीज में अब तक सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला है। तो टीम में 3 बड़े बदलाव फाइनल हो गए हैं और बाकी टीम वही रहेगी। अब साउथहैम्पटन में ये टीम क्या कमाल दिखाएगी ये देखना बाकी है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।